हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आशा लता लिविंग नेचर से। फ्रेंड्स, आज आप लोगों को हम दिखाएंगे मेरा गार्डन में थोड़ा कुंदरू हार्वेस्ट करके, जो आईवी गोर्ड है। तो बहुत सारा हुआ भीतर में है, तो कैमरा थोड़ा दूर में है, तो हम भी ऊपर जाके ये सब तोड़ लेंगे और उसके बाद आप लोगों को हम दिखाएंगे कितना सारा हुआ। तो बहुत सारा हुआ तो थोड़ा देखना पड़ता है, जो इसका जो लीफ है, लीफ के भीतर में सब है, तो थोड़ा टाइम लगता है। तो हम ऐसा करके जब तोड़ ले रहे हैं, आप लोगों को हम बाद में दिखाएंगे कितना सारा हमको मिला। तो यहीं पर मेरा जो अमरूद का पेड़ है, वहीं पर कुंदरू का पौधा है, वहीं पर जो नेट लगाया ऊपर में, तो उसके ऊपर ये हम चढ़ाया, तो इसका जो बेल है। तो फिर देखिए फ्रेंड्स, ये सब कुंदरू हमको मिला, तो बहुत सारा मिल रहा है हमको। हम बताया ना आप लोगों को, लास्ट में हम दिखाएंगे कितना मिला, तब आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। जो गार्डन से इतना सारा आईवी गोर्ड मिलता है, तो आप लोग भी एक गमला में ये आईवी गोर्ड का थोड़ा सा टुकड़ा लगा दीजिएगा और वो हो जाएगा। खास करके मैं जून महीना में इसका कटिंग लगाइएगा तो बहुत आसानी से ये लग जाता है। ऐसे भी इसका सीड से भी ये पौधा आप लोग ग्रो कर सकते हैं। तो हम तो इसका जो कटिंग है, कटिंग से हम ये कुंदरू का पौधा लगाया। तो पहले मेरा नीचे जो गार्डन है वहीं पर हम ये लगाया था, तब फिर हम वहीं से कटिंग लेके मेरा ये टेरेस पे लगाया। तो यहीं पर भी बहुत अच्छा हो रहा है कुंदरू हमको। और अभी मेरा नीचे जो गार्डन है, बैकयार्ड गार्डन, वहीं पर भी है, तो वहीं पर बहुत सारा बड़ा बड़ा पेड़ पौधा हो गया, इसलिए थोड़ा छावा हो गया, इसलिए मेरा कुंदरू थोड़ा कम मिल रहा है। और अभी टेरेस पे हमको बहुत सारा मिल रहा है। तो जो है, जो हम ऐसे भी 4-5 दिन बाद ये कुंदरू हार्वेस्ट करते रहते हैं और बहुत सारा मिलता है। देखिए फ्रेंड्स, यहीं पर सब है और पूरा हम देख रहे हैं कहाँ कहाँ सब है पूरा। और इसका जो लीफ है पूरा भीतर में ढक के रहता है। और ऐसे भी एक कुंदरू ना आप ऐसे ही कच्चा खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। लगता है कुकुम्बर खा रहा है, खीरा खा रहा है, ऐसे ही लगता है, बहुत टेस्टी है। और इसका जो लीफ है, ये लीफ भी आप खा सकते हैं, ये भी एडिबल है, ये बहुत टेस्टी है। और ये बहुत बीमारी दूर करते हैं, इसका लीफ का कोई रेसिपी, तो इसलिए ये पौधा तो बहुत अच्छा है। ये कुंदरू भी बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, तो इसलिए आप लोग के गार्डन में रख सकते हैं। और ये इसका केयर तो बहुत कम लेना पड़ता है, इसका फर्टिलाइज़र भी बहुत कम देने से भी ये हो जाता है, और आपको कुंदरू मिलते रहेगा। और इसमें ना कीड़ा मकड़ा तो लगता ही नहीं, सिर्फ इसमें पानी का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी होने से ये सड़ जाता है, और ये कम पानी से बहुत अच्छा रहता है। इसलिए बरसात के टाइम थोड़ा इसको देखना पड़ता है, जो ज़्यादा पानी हुआ कि नहीं। और ऐसे ये समर से रेनी सीजन तक बहुत कुंदरू होता है, बहुत होता है। तो देखिए कितना हमको मिला,
तो ये सब देखिए पूरा हुई, पर जो हम नेट देके दिया उसमें सब चल गया। तो देखिए फ्रेंड्स कितना सारा कुंदरू हमको मिला। अच्छा लग रहा है ना, कैसा लगा बताइएगा।